हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि VMware स्नैपशॉट जो हम रिस्टोरिंग पॉइंट बनाते हैं उसमें हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं कि हम कोई एरर आता है तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक विद विराज। मैं यहां से नीचे आ जाता हूं। ये मेरा थंबनेल है, न्यू सीरीज इन हिंदी वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल VMware 6.5 पे, और ये मेरा क्लास नंबर 5 है, YouTube क्लास 5 है, जिसमें मैं VMware स्नैपशॉट ट्रबल शूटिंग इसके बारे में बताऊंगा कि हम क्या क्या ट्रबल शूटिंग करते हैं। इसमें से एक या दो के ऊपर मैं लाइव प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूं, मेरा आज का जो एजेंडा ये है कि VMware ट्रबल शूटिंग हम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम अनेबल टू क्रिएट स्नैपशॉट, तो क्या क्या ऑप्शंस है जिनकी वजह से हम स्नैपशॉट क्रिएट नहीं कर पाते हैं या हमको प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा ESXI सर्वर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ESXI सर्वर है, ये मेरा ESXI सर्वर, इसके ऊपर हमने VMware का अप्लायंस डाला हुआ है और उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन और OS लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ से हम स्नैपशॉट, हमको अगर हम यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो अगर हमको स्नैपशॉट एरर आता है तो हमको क्या क्या ऑप्शंस होते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। डाटा स्टोर मतलब लो स्पेस, अगर मैं गाइज आपके डाटा स्टोर में लो स्पेस है तो भी आपको ये एरर आ सकती है। तो मैं एक एक आपको यहाँ पे दिखाते जाऊँगा और लाइव में भी दिखाते जाऊँगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा ESXI सर्वर है, लास्ट टाइम हमने बताया हुआ था आपको। ESXI सर्वर में मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल का सिक्स वीडियो है। तो मैं यहाँ पे गाइज अभी रिस्टार्ट के लिए मांग रहा, लेकिन मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करूँगा, मैं आपको आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी आपको इसमें क्या करना है कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि डाटा स्टोर लो स्पेस, इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारे मशीन का डाटा स्पेस जो है लो स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले आपको जाना है, अपने VMware में लॉगिन करना है और आप जो भी सर्वर का आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर आपको सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद गाइस एक्शन पे आपको क्लिक करना है, एक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एडिट सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और अभी ऑप्शन ये ओपन हो रहा है गाइस, और जब एडिट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क का एक आइकॉन है, जब जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप थिंक प्रोविजनल लेजी है, और यहाँ पे डिस्क डाटा स्टोर 1 विंडोज सर्वर 2012 विंडोज सर्वर, ये फाइल बना है जो हमारा बेस फाइल है, जहाँ पे हमारा फाइल रखा हुआ है। अब हमको यहाँ पे जाके देखना है कि जहाँ पे हमारी फाइल है या जहाँ पे फाइल रिस्टोरिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे जो है कि जैसे कि बता सकते हैं कि यह इसका स्पेस स्टोरेज साइज कम है या ज़्यादा, कम कम रहेगा तो आपका स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होगा। तो अभी इसको हमको देखना है इस पाथ पे जाके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक करना है, स्टोरेज सर्वर में जाना है, स्टोरेज सर्वर में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे डाटा स्टोर, और यहाँ पे स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे और डाटा स्टोर ब्राउज कर देंगे। ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पे आपका ये मशीन है, पाथ है, यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ गई है। अब हमको ये चेक करना कि हमारे सर्वर में कितना स्टोर, इस मशीन में स्टोरेज बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री स्पेस 15 GB, ऑलमोस्ट 16 GB बचा हुआ है। अगर मैं आपका यहाँ पे लो स्पेस हो जाएगा तो आपका मशीन स्नैपशॉट नहीं लेगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। सो पॉइंट नंबर 1, लो स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हम लो स्टोरेज कैपेसिटी है तो आपको यहाँ पे एरर आएगा। तो एक इसके वजह से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं, तो ये मेरा मशीन है, अब मैं इसमें आपको स्नैपशॉट कैसे लेते हैं वो भी एक बार, जस्ट लास्ट वीडियो मैंने बताया था, और यहाँ पे न्यू स्नैपशॉट, इसको टेक स्नैपशॉट करते हैं। ये जैसे हम क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पे तुरंत विद इन अ मिनट ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट स्नैपशॉट, ये हो गया, ये चल रहा है, अभी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा था कि स्नैपशॉट कैसे लेते हैं। अब हम तब तक, ये जब तक ये प्रोसेस हो रही तब तक हम नेक्स्ट चलते। आपका पॉइंट नंबर 1 लो क्लियर हो गया गाइस, जो मैंने यहाँ पर भी बताया था डाटा स्टोर लो स्पेस, ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते दूसरे, VMware टूल नॉट इंस्टॉल, अगर मैं आपने जो भी VM बनाया है ESXi सर्वर या वी सेंटर में जाके, और अगर उसके अंदर आपने टूल VMware टूल इंस्टॉल नहीं किया है तो भी आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हम चेक करेंगे कि VMware टूल हमने इंस्टॉल किया या नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सेकेंड स्टेप क्या है। यहाँ से हम आ गए,
अब हमको जैसे ये मशीन इसमें चेक करना कि हमने टूल इंस्टॉल किया नहीं किया है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम कंसोल पे जाएंगे, कंसोल ओपन अ न्यू ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे। ये न्यू ब्राउजर में जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्नैपशॉट टेकन प्रोसेस ये दे दिया है प्रोसेस, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है गाइस। तो ये हमारा मशीन में लॉगिन हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसोल कंट्रोल पैनल में जाना है गाइज। कंट्रोल पैनल में आपको जाने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल चल जाता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आ गया गाइज। अब आपको क्या करना है कि नेटवर्क सेटिंग देखना है, नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क व्यू। अब मैं यहाँ पे स्मॉल आइकॉन में सबको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग सेंटर पर हमको क्लिक करना है गाइज। सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VMware टूल इंस्टॉल है। तो अगर यहाँ पे VMware टूल नहीं आता तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि VMware टूल इंस्टॉल है या नहीं। तो ये दो ऑप्शन है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि VMware अगर टूल इंस्टॉल है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगा। मैं एकदम लाइव में गाइज दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ एज इट इज आपको करना है, और 110% बोल रहा हूँ गाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये VMware टूल है, अगर इंस्टॉल है तो आपका जो है कि स्नैपशॉट चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ गाइस VMware टूल के बिना कुछ नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एनी हाउ आपको VMware टूल इंस्टॉल करना ही पड़ता है। तो मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3, VM मस्ट नॉट कनेक्ट विथ RDM। तो गाइड RDM अब कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है और इसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि RDM क्या होता है। तो अगर मैं हम इस सर्वर में आए और सेटिंग्स पे क्लिक करें और एडिट ऑप्शन में जाएं, अगर मैं यहां से ऐड हार्ड डिस्क करते तो यहां पे एक RDM का ऑप्शन आता है जो अभी इसमें मेरे इसमें नहीं दिख रहा है, और मेरा शायद 6.5 वर्जन है जो इस मे भी इसकी वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा यूज में नहीं है गाइज। और मैं नहीं सोचता हूँ कि इतना नेसेसरी है इसको बताना, लेकिन जस्ट मैं ये बता दूँ कि अगर हम RDM आप इनेबल कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि आपका फिर स्नैपशॉट प्रोसेस बंद हो जाता है, नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है आपको, इतना मैं जानता हूँ। और मैंने भी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं किया है, या मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो अब आप इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि RDM ज़्यादा यूज में नहीं है और ज़्यादा लोग यूज नहीं करते, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे क्लियर बताया हूँ कि VM मस्ट नॉट कनेक्ट विथ RDM। अगर हम RDM हम कनेक्ट कर देते तो हमारा स्नैपशॉट प्रोसेस नहीं होता है, हम स्नैपशॉट नहीं ले पाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वी सेंटर मस्ट नॉट इन रिप्लिकेशन। तो एक ये पॉइंट है गाइस जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देना चाहूँगा। तो इसमें जैसे आपको क्या करना है कि जैसे आपके नेटवर्क में दो वी सेंटर हैं, अगर वहाँ पे आपने रिप्लिकेशन क्रिएट किया हुआ है तो भी आपका स्नैपशॉट नहीं होगा। तो ये आपको इस पॉइंट पे भी आपको काफ़ी ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ये 4 पॉइंट है जिनकी वजह से हमारा स्नैपशॉट में अनेबल टू क्रिएट स्नैपशॉट एरर आता है, जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बहुत रेयर केस में होता है, जहाँ पे भी आप इंडस्ट्री या कोई भी एरिया में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा स्टोरेज इस बढ़ा के रखते, कभी माइनस में नहीं रखते हैं। VM टूल हर एक जगह पे इंस्टॉल लोग करते हैं, उसमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। और VM मस्ट नॉट कनेक्ट विथ RDM, ये तो बहुत रेयर केस में होता है, कोई ये यूज नहीं करता गाइज, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करके कोई मीनिंग नहीं हमारा आएगा। हाँ, वी सेंटर मस्ट नॉट इन रिप्लिकेशन। अगर मैं वी सेंटर VM आपका है और वहाँ पे दो रिप्लिकेशन हुआ है, कोई अलग सर्वर है वी सेंटर का जिससे आप रिप्लिकेशन करते, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतने ही पॉइंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही मेरा एजेंडा, यही ट्रबल शूटिंग है। अगर इसके अलावा आपको कहीं कुछ मतलब ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और 100% आपको अगर किसी कस्टमाइज टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के देने की कोशिश करूँगा गाइज। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।